गुड मॉर्निंग, मैं कैलाश वासु, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर से। ME 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का टॉपिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत गियर बॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड क्लचेस के बारे में। उसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिवाइस ट्रांसमिशन सिस्टम की है वो है गियर बॉक्स, जिसे ट्रांसमिशन भी अपने आप में कहा जाता है। किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उनकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गियर बॉक्स की रिक्वायरमेंट बेसिकली इसलिए होती है कि हम व्हीकल के अंदर डिफरेंट टॉर्क अचीव करना चाहते हैं, यानी कि हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अलग अलग आघूर्ण की आवश्यकता होती है। यानी जब व्हीकल स्टॉप से रनिंग कंडीशन में आता है तो हमें आघूर्ण अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। तो ये जो आघूर्ण की प्राप्ति है, ये ही बेसिकली हम गियर बॉक्स से प्राप्त करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला यहां पे लिख रखा है कि P = 2πNT/60। इस फॉर्मूले से हमको ये पता चल रहा है कि जो पी है वो बेसिकली पावर है जो कि उस व्हीकल के इंजन द्वारा उत्पन्न की जा रही है। ये जो पावर है ये फिक्स रहती है। अगर हमने किसी व्हीकल के अंदर एक पर्टिकुलर इंजन को माउंट किया है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि 10 किलोवाट, 50 किलोवाट, या हॉर्स पावर में मेजर करें तो 100 हॉर्स पावर का, 200 हॉर्स पावर का उसके अंदर हमने इंजन फिक्स कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि उस प्राइम मूवर के द्वारा, उस इंजन के द्वारा उतनी पावर तो प्रोड्यूस होगी। यानी इंजन को हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो उतनी पावर वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो वो पावर हमें डिफरेंट कंडीशंस में कैसे आगे ट्रांसमिट करनी है उसको समझाने के लिए ये फार्मूला 2πNT इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पावर है वो स्पीड और टॉर्क के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि उस पर्टिकुलर इंजन की जो शाफ्ट होगी उसकी जो आरपीएम होगी रिवोल्यूशन पर मिनट में, और जो टॉर्क होगा न्यूटन मीटर में, उन दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती होगा। अब अपन इसमें कंप्रोमाइज किस चीज में कर सकते हैं कि अगर हमको टॉर्क की वैल्यू ज्यादा चाहिए, इसका मतलब यह होगा कि हम उससे स्पीड उस समय कम प्राप्त करेंगे। अगर हमें स्पीड ज्यादा प्राप्त करनी है तो टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। N × T, प्रोडक्ट ऑफ N स्पीड एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टॉर्क T, दिस विल बी कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो इंजन की फिक्स है। एक बार इंजन ने स्टार्ट की पावर पर उत्पन्न करना तो पावर जो है कॉन्स्टेंट है, लेकिन हम N और T के बीच में कंप्रोमाइज करते हुए उस व्हीकल को रनिंग कंडीशन में लाते हैं। जो ये N और T का जो वेरिएशन है, जो उसके बीच में जो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इस कंप्रोमाइज को ही प्राप्त करने के लिए हम व्हीकल के अंदर गियर बॉक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको माउंट किया जाता है। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसकी सहायता से हम व्हीकल को चलाते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम अगर डिटेल में जाना चाहें तो कितने तरह के गियर बॉक्सेस व्हीकल के अंदर यूज किए जाते हैं, तो मैंने 3 कैटेगरी में इनको बताया गया है कि सबसे पहला है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, दूसरा है कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, और तीसरा है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। इन तीनों के अंदर एक शब्द आ रहा है मैश, MESH। तो ये मैश का अर्थ क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। मैश का अर्थ ये होता है कि जब एक गियर दूसरे गियर के टीथ के साथ इस तरीके से एंगेज पोजीशन में आता है। यानी आप मेरे फिंगर को देखिए, ये एक गियर है जिसके टीथ है, ये दूसरा गियर है जिसके टीथ है। अगर ये एक गियर दूसरे गियर की मैश यानी एंगेज पोजीशन में आ रहा है तो हम इस समय कहते हैं कि दीज गियर्स आर इन मैश कंडीशन। ये मैश कंडीशन है। अगर हम इनको दूर कर देंगे तो ये मैशिंग में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों के बीच में, रोटेशन के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो अगर इन दोनों के बीच में संबंध लाना चाहते हैं तो हम इन दोनों को आपस में एंगेज पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फिंगर भी आगे की तरफ रोटेट कर रही है, एक गियर दूसरे गियर को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसे बोला जाता है मैश। गियर्स आर इन मैश पोजीशन। अब इस चीज के मैकेनिज्म को समझने के लिए ये फार्मूला मैंने दिया है N1/N2 = T2/T1। इसमें क्या है, N1 N2 तो स्पीड है, किसकी, जिसपे गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 माउंटेड है। यानी गियर नंबर 1 के जो शाफ्ट है उसकी स्पीड N1, गियर नंबर 2 जिसकी स्पीड है N2। अब इनमें स्मॉल T1 और स्मॉल T2 है, वो रिस्पेक्टिवली क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर 2। यानी गियर नंबर 1 के अगर T1 टीथ है
और गियर नंबर टू पे टी टू टीथ है, तो जब इनको मैश पोजिशन में लाएंगे तो इनकी जो स्पीड होगी वो उनके रेसिप्रोकल में चेंज होगी, यानी कि अगर जो गियर नंबर वन पे 10 टीथ है और गियर नंबर टू पे 20 टीथ है तो उनकी स्पीड क्या होगी 20:10 के रेशो में चेंज हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर एक छोटा गियर बड़े गियर के साथ मैश पोजिशन में लाएंगे तो होगा ये कि छोटे गियर की जो स्पीड है वो बड़े गियर की स्पीड से एन टाइम्स उतने गुना ज्यादा होगी जितने की उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ कम है। तो छोटा व्हील तेजी से घूमेगा, बड़ा व्हील धीरे से घूमेगा, ये दोनों के बीच में संबंध है पहला फंक्शन। पर इस मैश पोजीशन में भी आप देख रहे हैं दूसरी चीज जो सामने निकल के आती है वो ये है कि जैसे ही हम एक गियर को दूसरे गियर के साथ मैश पोजीशन में लाते हैं उस समय जो पहला गियर है वो दूसरे गियर की स्पीड को तो चेंज कर ही रहा है, साथ ही साथ उसकी दिशा को भी अपोजिट कर देता है, यानी पहला गियर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा गियर उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये मैशिंग पोजीशन से होता ये है कि उसकी स्पीड को भी चेंज किया जाता है और उसकी डायरेक्शन को भी परिवर्तित कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड वैसी ही हो जैसी कि पहले गियर की थी तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक गियर दूसरा गियर और वापस से तीसरा गियर अगर हम लगा देंगे तो तीसरे गियर की डायरेक्शन वापस वही हो जाएगी जो कि पहले गियर की है, यानी इसको हम बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। तो गियर बॉक्स जो व्हीकल के अंदर यूज में लिए जाते हैं वो सामान्यतः कंपाउंड गियर बॉक्स होते हैं, जिसका स्केच मैंने नीचे दे रखा है जिसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि गियर बॉक्स के अंदर मैश पोजिशन में गियर्स रहते हैं जिनकी सहायता स्पीड को परिवर्तित किया जाता है। वो स्पीड बेसिकली करता क्या है, इसमें टॉर्क को हमारी प्राप्ति जो होती है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रदान करता है ताकि हम व्हीकल को जिस कंडीशन में रन कराना चाहते हैं, जिस कंडीशन में उसको चलाना चाहते हैं, उस स्पीड पे उस टॉर्क वैल्यू पे वो आसानी से आगे बढ़ सके। मैं समझता हूं यहां तक चीज क्लियर है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है इसके बारे में। स्केच में मैंने बता रखा है आपको कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का जो कंस्ट्रक्शनल डिटेल है उसके अंदर मेनली तीन शाफ्ट होती हैं। पहली जिसको इंजन शाफ्ट कहा जाता है, दूसरी जिसको ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट कहा जाता है, तीसरी मेन शाफ्ट या जहां से हमको पावर आगे की तरफ ट्रांसमिट करनी है, जो हमको प्राप्त करना है उस शाफ्ट को। तो ये तीन शाफ्ट रहती है, ये तीनों की तीनों शाफ्ट जो है एक हाउसिंग के अंदर बंद रहती है जिसको कहा जाता है बॉक्स। तो ये कंप्लीट असेंबली कहलाती है गियर बॉक्स। अब इन शाफ्ट्स के ऊपर गियर्स माउंट रहते हैं, वो किस तरीके से माउंट रहते हैं, सबसे पहले अगर हम इंजन शाफ्ट की बात करें तो इंजन शाफ्ट के ऊपर एक गियर रिजिडली फिक्स रहता है, यानी वो फ्लाईव्हील की स्पीड के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यूअसली रोटेट रहता है और उसका रोटेशन जो है काउंटर शाफ्ट पे या ले शाफ्ट पे लगे हुए एक गियर के साथ मैश पोजिशन में रहता है, यानी उसकी जो पोजिशन है वो हमेशा एंगेज रहती है। तो जैसे ही हम इंजन को रन कराएंगे उस समय होगा क्या कि ये इंजन शाफ्ट का जो गियर है वो काउंटर शाफ्ट के फर्स्ट गियर के साथ हमेशा एंगेज रहेगा और उसको रोटेट करता रहेगा, यानी हमारी जैसे ही इंजन रनिंग कंडीशन में आएगा उस समय ले शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू कर देगी। अब इसमें काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट के ऊपर मैंने शो कर रखा है ए बी, दो अलग अलग गियर भी रिजिडली फिक्स है। ए और बी जो बेसिकली गियर है इनका नंबर ऑफ टीथ अलग है, उनका डायमीटर अलग है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, उसका साइज दोनों का अलग अलग है। तो ये ले शाफ्ट तक का मैंने डिटेल बताया। इसी ले शाफ्ट के एंड पे मैंने एक छोटा सा गियर और शो कर रखा है जिसे कहा जाता है आइडलर गियर। आइडलर गियर का क्या यूज है अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मेन शाफ्ट की। अब इस मेन शाफ्ट पे सी और डी दो अलग अलग गियर मैंने और इंडिकेट कर रखे हैं। अब इन गियर की जो पोजीशन है या जो माउंटिंग है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से माउंट रहते हैं। तो मेन शाफ्ट जो है ये अपने आप में स्प्लाइंड की हुई होती है, यानी इसके ऊपर अक्षीय दिशा में ग्रूव कटे रहते हैं, खांचे कटे रहते हैं अक्षीय दिशा में, जिसे कहा जाता है स्प्लाइन। अब इस स्प्लाइन के ऊपर ये जो गियर सी और डी है ये माउंटेड है, इसका फायदा ये होता है कि अगर हम चाहें तो गियर सी और डी को मेन शाफ्ट के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं आसानी से, साथ ही साथ लेकिन जैसे गियर सी और डी रोटेट करेंगे वो उस शाफ्ट को भी रोटेट करेंगे क्योंकि वो उसके ऊपर लॉक्ड है, यानी जब ग्रूव खांचे के ऊपर हमने इसको माउंट कर दिया तो ऊपर वाला जब गियर रोटेट करेगा तो वो शाफ्ट को भी रोटेट करेगा, लेकिन जो स्प्लाइन है वो हेल्प क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर गियर को स्लाइड करने में मदद कर रहा है।
उसके ऊपर आगे पीछे वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये सी और डी गियर जो है आपस में मूव कर सकते हैं उसी मेन शाफ्ट के ऊपर। अब अपने को करना क्या होता है कि जैसे मैंने ए और बी काउंटर शाफ्ट पे लगा रखे हैं, सी और डी मेन शाफ्ट पे लगा रखे हैं, तो इन दो दो गियर की सहायता से हम इस व्हीकल को कह सकते हैं फोर स्पीड प्लस वन रिवर्स स्पीड गियर बॉक्स, फोर फॉरवर्ड एंड वन रिवर्स स्पीड गियर बॉक्स। कैसे कह सकते हैं, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जो गियर ए काउंटर शाफ्ट पे लगा हुआ है और गियर सी मेन शाफ्ट पे लगा हुआ है, जब हम इस पेयर को मैश पोजीशन में लाएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों, इस फॉर्मूले से n1 / n2 = t2 / t1, तो एक पर्टिकुलर स्पीड हमको मिलेगी अगर हमने गियर ए और सी को एंगेज पोजीशन में किया। कैसे, विद द हेल्प ऑफ गियर लीवरेज एंड फॉर्क या यॉक की मदद से, स्लाइडिंग की मदद से हमने गियर सी को शिफ्ट किया कहां पर, जहां पर कि गियर ए था। तो गियर ए और सी जब मैच पोजीशन में आएंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीड हमको मिलने लगेगी। पर्टिकुलर स्पीड का मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर टॉर्क की वैल्यू हमको मिलना शुरू हो जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि बेसिकली व्हीकल इज रनिंग इन गियर वन पोजीशन, उसको कहते हैं गियर वन पोजीशन। अब आप नेक्स्ट कंडीशन का इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने गियर को शिफ्ट करते हुए गियर बी के साथ मैश कंडीशन में लाकर रख दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब मेरे पास जो स्पीड है n1 / n2 वो सेकंड वाली मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गियर बी जो है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ अलग है, गियर सी पे अलग है, तो मुझे गियर नंबर टू का जो स्पीड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो टॉर्क मिलेगा p = 2πnt की मदद से मैं ये गियर नंबर टू का टॉर्क ले लूंगा, गियर नंबर टू का स्पीड ले लूंगा। तो ये दो स्पीड हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जो गियर नंबर डी मेन शाफ्ट पर लगा हुआ है, इस डी को अगर हम ए के साथ मैश कर दें तो ये थर्ड पोजीशन में ला देगा गियर को, अलग स्पीड मिलेगी, अलग टॉर्क मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने गियर डी को गियर बी के साथ मैश कंडीशन में लाकर रख दिया तो फोर्थ नंबर की मुझे स्पीड मिलना शुरू हो जाएगी, फोर्थ नंबर का मुझे टॉर्क मिलना शुरू हो जाएगा। आई विल से दैट व्हीकल इज रनिंग इन फोर्थ गियर पोजीशन, फोर्थ गियर तक। तो ये चार फॉरवर्ड स्पीड की अलग अलग हमको स्पीड मिल गई, अलग अलग टॉर्क वैल्यू मिल गई, जिसकी सहायता से हमने व्हीकल को रन कराया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक जो छोटा व्हील शो कर रखा है जिसको आइडलर गियर कहा जाता है। इस आइडलर गियर का अर्थ ये है कि हम अगर व्हीकल को बजाय आगे की स्थान पर पीछे की स्थान पर लेना जाना चाहते हैं, यानी बैकवर्ड मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय हम इस आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। यानी लीवर जो है इस तरीके से शिफ्ट किया जाता है कि वो फोर्क की मदद से गियर नंबर डी को आइडलर के साथ लगा देता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, पहला गियर दूसरे से मैश है तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमको वापस क्लॉकवाइज चाहिए तो एक तीसरे नंबर का गियर ला के रखेंगे। तो ये जो बीच वाला गियर है, ये बीच वाला गियर कहलाता है आइडलर गियर, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि केवल दिशा को परिवर्तित करना। यानी जो आइडलर गियर का जो डायमेंशन है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ गियर नंबर दिस विच इज माउंटेड ऑन द इंजन शाफ्ट। उस इंजन शाफ्ट पे लगा हुआ है, उसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम होगी क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ टीथ सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसकी स्पीड इस बीच वाले आइडलर के कारण, देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स वी आर गेटिंग द स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू मूव द व्हीकल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आइडलर गियर का फंक्शन है, जहां पर हमको टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर हमको स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गियर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। तो ये आइडलर गियर है। तो ये मेन कंस्ट्रक्शनल डिटेल मैंने बताई है एक स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की। अब इस स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के अंदर सबसे जो मेन डिफिकल्टी आती है वो क्या आती है कि जैसे हम गियर को शिफ्ट करते हैं, स्लाइडिंग पोजिशन में लाते हैं, तो उसके मैश पोजिशन पे होता ही है कि एक झटका सा लगता है, एक जर्क सा फील होता है, जिसकी वजह से व्हीकल का स्मूथ रनिंग एब्रप्ट होता है, उसका जो स्मूथ रनिंग है वो हमको नहीं मिल पाता। तो उसकी स्मूथ रनिंग प्राप्त करने के लिए इस पर्टिकुलर गियर बॉक्स को रिप्लेस कर दिया गया है। आजकल इसका यूज बहुत कम कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिकल डैमेज है, नॉइज का प्रोडक्शन है, और स्मूथ रनिंग प्राप्त नहीं करना है जो मेन रीजन है, उसके कारण इस पर्टिकुलर गियर बॉक्स का इस्तेमाल आजकल के व्हीकल में नहीं किया जाता। इस स्लाइडिंग मैश के अंदर जो मॉडिफाइड करके जो मैश गियर बॉक्स बनाया गया वो है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। अब अपने को समझना है कि स्लाइडिंग मैश और कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में अंतर क्या है।
अगर हम कंस्ट्रक्शन डिटेल की बात करें उसके अंदर सब कुछ एक जैसा रहता है, यानी कि उसके अंदर इंजन शाफ्ट होगी, उसके अंदर काउंटर शाफ्ट होगी, उसके अंदर आइडलर शाफ्ट होगी, उसके अंदर ब्रेक शाफ्ट होगी, उसके ऊपर नंबर ऑफ गियर्स भी इसी तरीके से लगे होंगे जैसे इंजन शाफ्ट पे लग रहे हैं, जैसे काउंटर शाफ्ट पे लग रहे हैं, जैसे कि मेन शाफ्ट पे लग रहे हैं। अब लेकिन जो परिवर्तन किया गया वो क्या है, परिवर्तन जो किया गया वो ये है कि गियर नंबर सी और गियर नंबर डी, ये जो दो गियर हैं, ये बजाय स्प्लाइन शाफ्ट पे माउंट किए हुए इनको हम बियरिंग्स पे माउंट कर देते हैं। गियर नंबर सी एंड गियर नंबर डी आर माउंटेड ऑन द बियरिंग्स रादर देन प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द स्प्लाइन ऑन द मेन शाफ्ट। तो उन स्प्लाइन्स के ऊपर ना लगा के इनको बियरिंग्स पे लगा दिया जाता है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये जो गियर नंबर सी है और गियर नंबर डी है, दीज गियर्स आर कॉन्स्टेंटली इन मैश पोजिशन विद गियर नंबर ए एंड गियर नंबर बी। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स के अंदर होता यह है कि ए और सी हमेशा एंगेज पोजिशन में रहेंगे, गियर नंबर बी और गियर नंबर डी ये भी हमेशा एंगेज या मैश पोजिशन में रहेंगे। तो जब मैश पोजिशन में रहेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि शाफ्ट का जो रोटेशन है वो अभी हमको नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है कि जो गियर नंबर सी और गियर नंबर डी है वो डायरेक्टली शाफ्ट पर माउंटेड नहीं है, बल्कि वो किसके ऊपर माउंटेड है, बियरिंग्स के ऊपर। यानी स्पीड गियर नंबर सी की और गियर नंबर डी की डिफरेंट है, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट गेटिंग द स्पीड ऑन द मेन शाफ्ट बिकॉज दीज टू गियर्स आर माउंटेड ऑन द बियरिंग्स। यहां तक मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो रही है। तो अब अपने को स्पीड प्राप्त करनी है, मेन शाफ्ट की स्पीड को प्राप्त करने के लिए हमें क्या देना होता है, एक डॉग क्लच एक एडिशनल एलिमेंट है जो कि हम सी और डी के बीच में माउंट करते हैं। डॉग क्लच अपने आप में एक पॉजिटिव क्लच होता है। इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक डिस्क आप इमेजिन कीजिए, डिस्क रोटेट करिए जिसके अंदर की एक होल बना, उसकी सरफेस पे एक होल बना हुआ है। एक दूसरी डिस्क है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्टेड रॉड सी बनी हुई है। अब ये डिस्क भी रोटेट कर रही है और ये डिस्क जब इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा कि जैसे ही इस होल को इस प्रोजेक्टेड पोर्शन के सीर में लाएंगे, इसके साथ कोइंसाइड करेंगे, तो ये रॉड इस होल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी और ये पर्टिकुलर दोनों एलिमेंट आपस में रोटेट करना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिस्क जिसका प्रोजेक्टेड पार्ट है, ये डिस्क जिसके अंदर होल है, अगर हम इसको आपस में मैश कंडीशन में लाएंगे तो दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे और दोनों मेंबर रोटेट करने लगेंगे। तो ये एलिमेंट जो है, दिस एलिमेंट इज एक्चुअली नोन एज डॉग क्लच या पॉजिटिव एंगेजमेंट क्लच। ये पॉजिटिव एंगेजमेंट क्लच क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेन शाफ्ट की स्प्लाइंस पे स्लाइड करेगा, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर हम इस सी और डी के बीच में लगे हुए एक ऐसे डॉग क्लच को सी के साथ एंगेज करेंगे तो उस समय होगा ये कि जिस पर्टिकुलर स्पीड से गियर नंबर सी रोटेट कर रहे हैं उसी स्पीड पे ही मेन शाफ्ट रोटेट करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, उसी डॉग क्लच को राइट हैंड साइड में स्लाइड करते हुए गियर नंबर डी के साथ एंगेज करेंगे तो हमको सेकंड नंबर का गियर स्पीड हमको मिलना शुरू हो जाएगा एंड द मेन शाफ्ट विल रोटेट अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ गियर नंबर डी। तो डी की जो स्पीड होगी वही स्पीड अपने को मेन शाफ्ट पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के साथ तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि अपना जो स्लाइडिंग मैश में था उसमें गियर को शिफ्ट कर रहे थे, यहां पे केवल डॉग क्लच है, एक पॉजिटिव क्लच है जिसको शिफ्ट करने से ही हमको डिफरेंट स्पीड या गियर रेशियो या स्पीड रेशियो जो हम कह सकते हैं हमको प्राप्त हो रहा है और आसानी से बिना नॉइस के, बिना जर्क के, बिना झटके के हम गियर को शिफ्ट करते हुए व्हीकल को रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो ये है कॉन्स्टेंट मैश। लेकिन इसमें भी अपने पास एक डिफिकल्टी है कि जब हम डॉग क्लच को गियर के साथ एंगेज पोजिशन में ला रहे हैं तो उसका जो एंगेजमेंट टाइम है वो इतना स्मूथ नहीं होता, इतना क्विक नहीं होता कि हम तुरंत उसको पर्टिकुलर स्पीड पे अचीव कर सकें या प्राप्त कर सकें। तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स के अंदर भी फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं और जो गियर बॉक्स नंबर थ्री है यानी सिंक्रोमैश गियर बॉक्स, उसका डिजाइन आजकल करके व्हीकल्स के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर सिंक्रोमैश गियर बॉक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में भी अगर हम कंस्ट्रक्शनल डिटेल की बात करें तो लगभग वैसी ही है जैसा कि मैंने कॉन्स्टेंट मैश
गियर बॉक्स में बताया, यानी कि इंजन शाफ्ट होगी एक परमानेंट गियर होगा, ले शाफ्ट होगी उसके ऊपर गियर्स माउंट होंगे, मेन शाफ्ट होगी उसके ऊपर भी गियर्स फिक्स होंगे, प्लस वो जो गियर होंगे दीज गियर्स आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड पोजिशन विद द गियर ऑफ ले शाफ्ट, यानी ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट के जो गियर है वो कॉन्स्टेंटली मैश कंडीशन में होंगे, एंड द गियर विच आर माउंटेड ऑन द मेन शाफ्ट आर माउंटेड ऑन द बियरिंग्स, यानी कि जो गियर आपके मेन शाफ्ट पे लगे हुए हैं वो बियरिंग्स के ऊपर ही माउंटेड है, इनकॉर्पोरेटेड है। अब सिंक्रोमैश और कॉन्स्टेंट मैश के अंदर जो अंतर आ रहा है वो क्या है कि सिंक्रोमैश गियर बॉक्स के अंदर हम एंगेज या डिसएंगेज जो पर्टिकुलर गियर कर रहे हैं वो एक डॉग क्लच की मदद ना लेकर एक सिंक्रोनाइजर डिवाइस की मदद ले रहे हैं। सिंक्रोनाइजर का अर्थ ये होता है कि एक मूविंग एलिमेंट की दूसरे मूविंग एलिमेंट की स्पीड के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस लाना है, यानी कि एक अगर 100 आरपीएम पर मूव कर रहा है एक स्टेशनरी कंडीशन में, तो दोनों को आपस में हम एक झटके से ना एंगेज करें, उसको हम ग्रेजुअल ऑपरेशन के माध्यम से धीरे धीरे एंगेज करें, यानी कि जो स्टेशनरी मेंबर है उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती चली जाए, यानी पहले 20 आरपीएम हो फिर 50 हो फिर 100 हो, ताकि उसके अंदर जो एंगेजिंग का जो जर्क है जो झटका है जो एक किस्म का आप कह सकते हो कि एक सडन अटैक है उससे बचने के लिए इस सिंक्रोनाइजर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंक्रोनाइजर डिवाइस अपने आप में क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कोन क्लच, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस करके बताया था कि कोन क्लच के अंदर होता बेसिकली क्या है कि एक फीमेल मेंबर होता है एक मेल मेंबर होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे ही हम उनको आपस में एंगेज पोजिशन में लाते हैं तो उस तरीके से क्या होता है उनका एंगेजमेंट एकदम जर्क के साथ नहीं होता, ग्रेजुअली ऑपरेटेड होता है। तो इस सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं गियर नंबर सी और गियर नंबर डी के अंदर, तो अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हुए उसको एंगेज करते हैं तो धीरे धीरे मेन शाफ्ट की जो स्पीड होगी वो गियर नंबर सी की स्पीड के साथ मैच करती हुई मेन शाफ्ट को रोटेट करती है, उसको वहां तक पहुंचाती है और मेन शाफ्ट अपनी उस पर्टिकुलर स्पीड को प्राप्त करके व्हीकल को रनिंग कंडीशन में लाती है, उस पर्टिकुलर टॉर्क वैल्यू पे लाती है, हम उसको कहते हैं कि फॉरवर्ड स्पीड नंबर वन। उसी सिंक्रोनाइजर डिवाइस को अगर हम राइट में शिफ्ट करते हुए गियर नंबर डी के साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो धीरे 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 उस सिंक्रोनाइजर की जो स्पीड है मेन शाफ्ट की जो स्पीड है वो गियर नंबर डी की स्पीड के साथ मैच करती है और हमको सेकेंड गियर की स्पीड को अचीव करते हैं हम मेन शाफ्ट के ऊपर। ये फर्स्ट एंड सेकेंड गियर मैकेनिज्म है, नेचुरल सी बात है अगर अपने को और ज्यादा गियर स्पीड्स की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट टॉर्क्स की वैल्यू है तो उतने ही नंबर ऑफ पेयर्स गियर के परमानेंटली कॉन्स्टेंट मैश कंडीशन में अपने को मेन शाफ्ट और ले शाफ्ट पर लगाने होते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आइडलर व्हील है आइडलर गियर है वो एक फिक्स रखना पड़ता है ताकि हम व्हीकल को अगर रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो उसको एंगेज करके व्हीकल को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने में आसानी हो। तो ये मेन फंक्शन और कंस्ट्रक्शनल डिटेल मैंने बताई किसी भी व्हीकल के अंदर गियर्स की, गियर बॉक्स की, ट्रांसमिशन सिस्टम की और उसके फंक्शंस की। धन्यवाद।